जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया हमर जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, अवैया 15 अगस्त के छत्तीसगढ़ दर्शन कार्यक्रम के एक बछर हा पूरा हो जाही। यही दिन ले बीते बछर में एखर शुरुआत होय रहिस। छत्तीसगढ़ दर्शन मा हमन छत्तीसगढ़ी भाखा मा सरकार के योजना ला लेके, तीज तिहार ला, महापुरुष मन के जयंती वर्षगांठ ला और शासन के योजना मन के सफलता के गोठ ला ए कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन ला बतातन। ता एकरे संग छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया हमर जम्मू संगवारी मन के बड़ आभार हवे कि हमर कार्यक्रम ला अतना माया दया देहा। ता संगवारी हो, अपन इही माया दया ला बनाए रखो, इही कामना करत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक मा देखबो। प्रदेश भर मा हर घर तिरंगा अभियान ला लेके तैयारी जोर मा हवे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन ह जांजगीर मा निकालिन अनोखा तिरंगा रैली। प्रदेश भर मा हर्षोल्लास के संग मनाए गिस विश्व आदिवासी दिवस। राज्यपाल हा आदिवासी संस्कृति कला ला संजो के राखे के गोट करे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो हा छोटे प्रक्षेपण यान SSLV-D1 के करिन सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। दवा शिक्षा नीति के तहत मा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय हा बी के पहली सत्र के विद्यार्थी मन पर तैयार करिन हिंदी मा पाठ्यक्रम। अब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त के देश भर में मनाया गिस। कोसा के कपड़ा हा देश और विदेश में घलो हवे पड़ती। हर घर तिरंगा अभियान ले के प्रदेश के संगे संग देश भर के लोगन मन में एकर उत्साह देखे जात हवे। यह अभियान ला सफल बनाए बर जांजगीर चापा के बरे केल कला में अनोखा तिरंगा यात्रा निकाले गई रहीस, जेला देखे बर तीर तिखार के क्षेत्र के लोगन मन हा घलो पहुंचे रही। जांजगीर चापा के बरे केल कला मा आजादी के अमृत महोत्सव के मौका मा अनोखा तिरंगा यात्रा निकाली रही, जेमा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिन्हा के नेतृत्व मा बीजेपी कार्यकर्ता मन हा महानदी मा नाव मा सवार होके तिरंगा यात्रा निकाले और तिरंगा अभियान ला सफल बनाए बर लोगन मन ला घलो अपील करीन है। और यही मौका मा अकलतरा विधायक सौरभ सिंह बताइन कि पार्टी के निर्देश मा यहाँ 10,000 झंडा तैयार करेगी हवे। हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता माननीय निर्मल सिन्हा जी, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ध्वजारोहण और झंडा रैली महानदी में नौका में निकाली गई। वो अपने तरह की एक अनूठी पहल थी, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। अब यह अनोखा तिरंगा यात्रा ला देखे बर तीर तिखार के लोगन मन हा घलो पहुंचे रहिन। हर घर तिरंगा अभियान ला लेके क्षेत्र के लोगन मन हा घलो बड़ उत्साहित हवे। विश्व आदिवासी दिवस के मौका मा प्रदेशवासी बल्ला राज्यपाल और प्रदेश के मुखिया हा अपन शुभकामना दिन है। और यही मौका मा वर्चुअल रूप ले आदि विद्रोह और 44 दूसर पुस्तक मन के विमोचन करिन और कई ठन जिला मन मा यही मौका मा कार्यक्रम के आयोजन घलो राखी रहिन है। 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस मनाएगी। ये मौका मा राज्यपाल अनुसुईया उइके हा प्रदेशवासी मन ला अपन शुभकामना दिन और अपन संदेश में कहिन कि छत्तीसगढ़ में 31% आदिवासी मन हा इहां रही थे, जौन मन हा अपन संस्कृति विचार कला और मान्यता मन ला आज के बेरा में घलो संजो के राखे हवे। आदिवासी समाज हा सहिच मा प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपन जिम्मेदारी ला निभाए हवे और एखर मन के इही भाव के सेती आज आदिवासी समाज हा समृद्ध होय हवे। अब इसने ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हा घलो विश्व आदिवासी दिवस के मौका मा प्रदेशवासी मन ला अपन शुभकामना दिन और कहिन के जनजातीय बहुल्य प्रदेश होय के सेती छत्तीसगढ़ ला जनजातीय मन के प्राचीन कला और संस्कृति के अनमोल धरोहर हा विरासत मा मिले हवे। छत्तीसगढ़ सरकार हा आदिवासी मन के प्राचीनतम विरासत और संस्कृति ला संजो के राखत हुए ओखर विकास और ओमन ला मुख्य धारा मा लाए बर संकल्पित हवे। विश्व आदिवासी दिवस के मौका में मुख्यमंत्री हा जिला मन में होए कार्यक्रम मन ला वर्चुअल रूप ले संबोधित करिन और यही मौका में आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कोती ले प्रकाशित आदि विद्रोह और 44 दूसर और पुस्तक मन के घलो विमोचन करिन है। और एकर संगे में ही वन अधिकार के प्रति ग्राम सभा जागरूकता अभियान के कैलेंडर अभियान गीत और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के वीडियो संदेश के घलो विमोचन करिन हवे। अवेती कोरिया मघलो विश्व आदिवासी दिवस के मौका मा कार्यक्रम के आयोजन हुई सवे
जौन में मुख्य अतिथि श्री कमरोह इही मौका में आदिवासी मन के हित में शासन के कल्याणकारी योजना मन के गोठला करत हुए कहिन कि शासन के निर्णय ले आदिवासी समाज के उन्नति के रद्दा तैयार हुए हवे और इही मौका में 33 जिन हितग्राही मल्ला व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र और 2 जन हितग्राही मल्ला वन संसाधन पत्र बाटिन हवे। एदारी इसरो ह अपन सबले छोटे प्रक्षेपण यान SSLV-D1 के प्रक्षेपण करिन हवे और एकर संगे में ही सरकारी स्कूल के लइका मन हा मिलके उपग्रह आजादी सेट ला घलो पृथ्वी के कक्षा मा भेजिन हवे जेला बनाए मा ये लइका मन के बड़ भूमिका रही सवे। लइका मन हा सैटेलाइट में लगे चिप के प्रोग्राम के कारज ला घलो करे रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ह अपन सबले छोटे प्रक्षेपण यान SSLV-D1 के प्रक्षेपण करिन है। एला बिहनिया बेरा के 9:18 में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ले छोड़ेगी सवे। SSLV-D1 राकेट के माध्यम ले पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह EOS 2 और 1 दूसर छोटे उपग्रह आजादी सेट ला पृथ्वी के कक्षा में भेजेगी सवे। आजादी सेट ला स्पेस किड्स इंडिया के लइका मन बनाए रही है जौन मा 75 पेलोड लगे हवे। देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौका मा देश भर के 75 सरकारी ग्रामीण स्कूल मन के 750 लइका मन के ये उपग्रह ला बनाए मा बड़ भूमिका हवे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के जिला के लइका मन हा घलो ये परियोजना मा अपन भागीदारी निभाए हवे और आसीबाई गोलछा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लइका मन हा ये सैटेलाइट में लगे चिप के प्रोग्रामिंग के कारज ला घलो करे हवे। अब ये छात्र मन हा मीडिया ले गोट बात मा कहिन हवे कि ये परियोजना मा हिस्सा बन के बड़ गौरव महसूस करत हवे और अवैया बेरा मा कोनो और मौका मिली ता और बढ़िया कारज करबो। हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, हमारे सभी दोस्तों को और हमारे सभी गुरुजनों को और सालों को बहुत ही खुशी अनुभव महसूस हो रहा है कि हमें जो हमें उपग्रह है सैटेलाइट का उसका उसमें सफलता प्राप्त हुई है। उहे स्कूल के प्राचार्य गोविंद राम सिन्हा कहिन हवे कि इसरो के परियोजना मा जिला के लइका मन के भागीदारी ले छत्तीसगढ़ के नाव हा रोशन हवे और एखर ले लइका मन मा विज्ञान के प्रति रुचि हा घलो बाढ़ी। सैटेलाइट जो कल लॉन्च हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसरो की ओर से, उसमें वो छोटा सा चिप जो है बच्चों के द्वारा प्रोग्रामिंग किया हुआ लगा है और ये हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए और पूरे जिले के लिए काफी गर्व की बात है कि हमारे बच्चों ने उस जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसमें इनका वो छोटा सा योगदान क्यों न सही, ये बच्चों के लिए काफी अच्छा। आप मतलब बता दें कि प्रक्षेपण यान हा बादर के छाए रहे मा और बूंदाबांदी पानी गिरे के बीच मा उड़ान भरी से 34 मीटर लंबा 120 टन के वजन के ये रॉकेट हा 500 किलोग्राम के सामान ले जाए के क्षमता खलो रखते। छत्तीसगढ़ में पहली घाव इंजीनियरिंग के पढ़ाई हा अब 2 भाषा में होवैया हवे जेखर बर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय है कोर्स के 5 पुस्तक मल्ला हिंदी में तैयार कर ली हवे जेखर ले छात्र मल्ला इंजीनियरिंग के पढ़ाई करे में अब आसानी होही। अब इंजीनियर बने बर अंग्रेजी ला जानना जरूरी नहीं हवे, अब छात्र मन हा अपन मातृभाषा में घलो इंजीनियरिंग के पढ़ाई कर सकी। केंद्र सरकार कोती ले शुरू करे गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अखिल भारतीय तकनीकी परिषद AICTE कोती ले एकर व्यवस्था करे गए हवे। AICTE के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय हा बी पहली सत्र के कोर्स ला हिंदी में तैयार करिन। एकर 5 पुस्तक मन तैयार हो गए हवे जेला अवैया सत्र 2023-24 में हिंदी के कोर्स ला छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज मन में पढ़ाया जाही जेन्हा वैकल्पित और रेफुलर हो। अवैया कुछ बछल ले देश भर में इंजीनियरिंग के पढ़ाई हा इंग्लिश के सती हिंदी और दूसर क्षेत्रीय भाषा में घलो हो ही जेखर तैयारी हा चलत हवे। तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE हा एकर कारज में लगे हवे। इंजीनियरिंग के किताब में कठिन शब्द मन के प्रयोग हा नहीं करे जात हवे। जानकर मन के दावा हवे कि राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता परीक्षा मन में अच्छा प्रदर्शन करके देश के बड़े संस्थान मन में जवैया लइका मन हा इंग्लिश के सेती पिछड़ जात हवे और यही परेशानी ल दूर करे पर इंजीनियरिंग के पढ़ाई ला हिंदी में घलो करे जात हवे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि उच्च शिक्षा को भी रीजनल लैंग्वेजेस में मातृभाषा में लोगों को उपलब्ध कराया जाए और इसी दिशा में AICTE ने इंजीनियरिंग क्षेत्र में रीजनल लैंग्वेजेस में शिक्षा को
उपलब्ध कराने की दिशा में पिछले वर्ष शुरुआती दौर में 8 लैंग्वेजेस को लेकर के किताबें डेवलप की, ट्रांसलेशन किया, और इस साल अभी 12 लैंग्वेजेस में कर चुके हैं, और अंतिम लक्ष्य जो है, जो शेड्यूल है हमारे भारतीय संविधान में 22 लैंग्वेजेस क्षेत्रीय भाषाएं, उसमें हम शिक्षा की सारी किताबें उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा लोगन मन ले कहिन हवे कि खादी और हथकरघा ले जुड़े कम से कम एक ठन उत्पाद ला जरूर खरीदे। हथकरघा दिवस के उद्देश्य हरे कि भारत के विरासत ला संजो के राखे बर और दुनिया भर में एकर पहचान ला बनाए रखना हवे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त के मनाए गिस। बछर 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाए के घोषणा ला करत बेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहे रहिन कि देश में सबो परिवार हा खादी और हथकरघा ले जुड़े कम से कम एक ठन उत्पाद ला जरूर लेवाए। हथकरघा हा पूरा देश के ग्रामीण अंचल मन के लोगन मन ला आजीविका देवैया एक ठन महत्वपूर्ण क्षेत्र आए। हथकरघा हा स्वदेशी व्यापार ला घलो बढ़ावा देते। छत्तीसगढ़ राज्य के हथकरघा के बने कोसा कपड़ा मन के चमक हा देश के राजधानी दिल्ली तक पहुंच गए हवे। जांजगीर चांपा जिला के कोसा कासा कंचन के नाव ले विख्यात हवे। यहाँ के हथकरघा कारीगर मन के बनाए कोसा के कपड़ा हा देश विदेश में घलो प्रसिद्ध हवे। जिला में कोसा के उत्पादन ला बढ़ावा दे बर हर संभव प्रयास करे जात हवे। अनुसंधान प्रसार केंद्र सिवनी के वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार हा बताइन हवे कि कोसा उत्पादन ला बढ़ावा दे बर राज्य सरकार हा सतत प्रयास करत हवे। कि जो हमारे पेड़ लगाने को कौवा का पेड़ लगाने से लेके कीट पालन और अधिक से अधिक उत्पादन देने की जानकारी हम कृषकों को स्तर तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर मैंने अनुसंधान के नई नई तकनीकों को किसानों के स्तर पे जांजगीर चांपा के जिला के अलावा कोरिया, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, इन पूरे एरिया में मैं पूरा कर रहा हूँ, जिससे किसानों को आर्थिक उत्पादन के हिसाब से उनका रूरल जो पॉपुलेशन है उनको अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी फायदा हो रहा है। उहे कोसा के कारीगर मन हा दूरदर्शन समाचार ले गोट बात में बताइन हवे कि हमर परिवार के सबो सदस्य मन हा बुनाई के कारज करते, जे खल्यो मल्ला बढ़िया आमदनी हो जाते। पसंद धागा निकाले के कोसा उबालथन, ओकर बाद धोथन, धो के सुरका देथन, सुरका के हंडी में भर देथन, 2 दिन के बाद में निकालथन धागा। और 2 दिन बिना निहार है और लूम है, हाथ लूम 2 दिन कोसा विक्रेता वीर किशोर देवांगन हा बताइन हवे कि ओमन हा बहुत कम उम्र ले ही कोसा विक्रय के व्यवसाय ले जुड़े हवे। मैं बचपन से करत आत हूँ और ये कपड़ा बनाता, ये ऐसे कपड़ा बनते जेकर 6500 रुपए रेट है और ये ला खुद हाथ में बना के मार्केट में ले जाता हूँ। जैसे ये तानी के बने हैं, ये 210 फल से कोसा के जो 210 फल रहते ओकर से एक तो तानी बने हैं जो हाथ से निकाल के ओकर बाद तानी बनाए के जो प्रक्रिया होते हमन के ओकर से बने हैं। अब आप मतलब बता दें कि हथकरघा दिवस के उद्देश्य हरे कि भारत के विरासत ला संजो के रखना और दुनिया भर में एकर पहचान ला बनाए रखना। तैकरे संग आज के अंकला हिमेर विराम देथन संगवारी हो और मिलबो अवैया इतवार के यही बेरा मा एक ठन नव अंक लेके। बबीता मार्कंडेला दो विदा, जय जोहार।